बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गुड़ वाले चावल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो सेला चावल। ये देखें, ये सेला चावल है जिसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगो लिया था, वो ये हैं। और चने की दाल भीगी हुई भिगो के उसको उबाल लिया था मैंने। गुड़ चाहिए तकरीबन आधा किलो, या अगर आप कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा कम डालें। चने की दाल है, इसमें घी है, और ये सारे जो हैं काजू है, और किशमिश है, अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, और नारियल है, जिसे मैंने धो के इसको मैंने अलग से काट लिया। और इसमें डलेगा लीमू, जो इसकी मेन चीज़ है, जिसकी वजह से ये जुड़ेंगे नहीं, और थोड़ा सा दही। सबसे पहले हम एक देगची में थोड़ा सा पानी रख देंगे और इसमें गुड़ डालेंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे। और एक देगची में पानी बॉईल करेंगे। इसमें देखें, मैं पानी चावल डालने जा रही हूँ। इसमें हम चावल डाल देंगे जो एक कनी पे आप बॉईल कर देंगे, और इसमें आप गुड़ डाल देंगे। चूंकि हमारे आधा किलो चावल है, तो तकरीबन आप आधा किलो से थोड़ा सा कम गुड़ लें। नाज़रीन, हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं और हम एक कनी रख के इसको छान लेंगे। और इधर से सबसे पहले देगची को गर्म करें और इसमें ऑयल घी डाल दें। अब हम इसमें डालेंगे इलायचियाँ और बॉयल चने की दाल। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ, नारियल, काजू, कटे हुए बादाम, पिस्ता, किशमिश, और बगैर छिलके के बादाम। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसमें डालेंगे 3 चम्मच दही और 3 नींबू का जूस। देखिए, ये देखिए नाज़रीन, ये जो हमने चाशनी बनाई थी गुड़ की, इसको हम छान लेंगे ताकि अगर इसमें कोई मट्टी लगा रहा है तो निकल जाए। ये देखेंगे इसमें सब की तरह से सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें ये चाशनी डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इसको दम पे लगा देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, चावल